जब यहाँ वहाँ से आ रहे थे 200 रुपये मांग रहे थे हमसे। तो बोलो राधे राधे। तो हाँ जी भाई लोगों, आज हैं हम मथुरा में और दिन है 20 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 6:45 सुबह मॉर्निंग के। और ट्रेन की शॉट तो आपने देख ली होंगे कि दिल्ली से मैंने यहाँ तक ट्रेन में सफ़र करा है। सो निकल रहे हैं यहाँ से, अभी आगे जर्नी होने रहे, देखें आज हम कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम निकले थे दिल्ली से मॉर्निंग 4 बजे अपने घर से और उसके बाद निज़ामुद्दीन पहुँचे अराउंड 5 बजे, 5:10 की हमारी ट्रेन थी। और आई थिंक ये सबसे ईजी वे है दिल्ली से अपने नियर बाय ट्रैवल करने का, क्योंकि बहुत ही चीप रेट में ना 90, 100, 120 रुपये में तुम आराम से इजी ट्रैवल कर सकते हो। तो हम भी आज मॉर्निंग निकले दोबारा आगरा वाले व्लॉग के बाद और देखो आज कहाँ ट्रैवल होगा, बने रहो। अभी थोड़ा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि खाने पीने का थोड़ा क्या जुगाड़ है या डायरेक्ट ही कहीं जाने का क्या जुगाड़ है। तो बने रहना एंड तक। स्टेशन से बाहर निकलते ना इतने ज़्यादा ऑटो वाले मिले ना, इतने ज़्यादा ऑटो वाले मिले, मैं टेक ही नहीं ले पाया कि बाहर कैसे आ रहे, क्या हुआ। आते ही भाई वृंदावन, यहाँ वहाँ अपना लॉज होटल्स, यहाँ इतना ज़्यादा पूछ लेते ना, मतलब मूड खराब हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब वो कर देते कि बंदा भूल जाता है घूमने कहाँ है। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं अभी। सर आइए सर। कहाँ अंकल जी? जन्मभूमि वृंदावन सर। वृंदावन जाना है। बड़ी जद्दोजहद के बाद ना हम फाइनली वृंदावन पहुंच गए। तो आज का प्लान हमारा वृंदावन का था, वृंदावन का ना, हाँ वृंदावन का था। और अब जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन के बस स्टैंड से थोड़ा सा ही है उल्टे हाथ पे, तो वॉकिंग है, वॉकिंग जा रहे हैं। और लेट्स सी इसके बाद और कहाँ जाने का प्लान बनता है। अभी बांके बिहारी आएंगे ना, बांके बिहारी आ रहे हैं। एक टिप है कि बंदर वंदर होंगे तो कैमरा फ़ोन सारा संभाल के रखना अपना, ठीक है। चलो कैप्चर करने नहीं दिया, पर मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, वो देख लेना, बाकी देखते हैं। अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हमें टाइम कम है तो फटाफट दर्शन करने हैं। और अभी कुछ खाने आए हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे खाने के ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और हमने कचौड़ी और एक लस्सी का गिलास ऑर्डर करा है। आई थिंक अंदर की तरफ ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बाहर थोड़ा प्राइस कम था। मंदिर के आस पास का एरिया है, प्राइस थोड़ा सा हाई पर थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी बाहर प्राइस थोड़े कम थे खाने के। तो लस्सी ले रहे हैं और कचौड़ी लिया आलू की। लस्सी और कचौड़ी खाते हैं फिर मिलते हैं और घूमते हैं की गलियाँ कैसी है, छोटी छोटी हैं बट मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो खाना ओवर प्राइस है, इस बात को इग्नोर करना भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी था कचौड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, लस्सी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, भर भर के मलाई घुसी हुई थी उसके अंदर, भर भर के। मैं बाहर से उसका वो दिखा दूँगा कि हमने कहाँ से खाया था, यहाँ तो एक नंबर था, ठीक है। तो वो दिखा दूँ, वो देख लेना, और अगर विजिट कर रहे हो तो यहाँ आ जाना। बाकी का ये मंदिर की जो गली है सीधा बाहर आते ही है, ठीक है। चलो ये थी वही दुकान, यहाँ पर आ जाना याद से। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ टेम्पल की तरफ को, सो भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो
मंदिर का रास्ता है जाने का। मैं इतनी परफेक्ट टाइम पे पहुंचा ना, अंदर की आरती आरती हो रही थी और मेरी एंट्रेंस भी टाइम पे हुई प्रॉपर, जब आरती स्टार्ट हो रही थी। और फिर मैं लाइव भी आ गया तो इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे आके देख लेना, इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ शो कर रहा होगा, ठीक है। और फोटोज़ वोटोज़ जो भी है यहाँ से वो वहीं पर आएगी सबसे पहले। और निकलते हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, ठीक है। तो मस्त से विज़िट करना अपना बांकी बैरी टेम्पल से, थोड़ा सा इधर को आके नीचे को उतरोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सीधा ही लेन जा रही है, उस लेन पे आके और आपको उसी साइड को ही आना है। और फिर ये स्टेयर जा रही है ऊपर, तो इसी स्टेयर से ऊपर जाओगे तो आपका रास्ता दिखने लग जाएगा, लिखा हुआ हर जगह कि मंदिर का रास्ता इस तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होगा, ठीक है। अभी मॉर्निंग अराउंड 11:30 तक सारे मंदिर खुले रहते हैं, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी सारे मंदिर विजिट करने हैं, ठीक। निकलते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं। टीका विका सेट हो गया भाई, देखो दिखाई वही चेहरा अपना, अब लग रहा यहीं के हैं। और निकल रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ को, अभी तो हमने दो मंदिर विजिट कर लिए हैं, बांके बिहारी और राधा वल्लभ, दोनों टेम्पल विजिट कर रहे हैं। अब जो यहाँ से नियर बाई पड़ेगा वहाँ जाएंगे, ठीक है। और लेट्स सी हम कितने मंदिर विजिट कर पाते हैं, हम पे आज का दिन है, तो व्लॉग में एंड तक उन्हें आना। और चैनल में जो भी नए हैं चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो को अंधा शेयर कर दो दबा के, ठीक है। कहाँ पे है, अच्छा ऊपर है ना, डरा रही है बंदर बंदर, बोला डरा रही है, डरने वाली बात है, बट हाँ अच्छे से शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। आगे मिलते हैं, जब यहाँ वहाँ से आ रहे थे 200 रुपये मांग रहे थे, वो क्या कहते हैं मथुरा से 200, फिर हम 30-30 रुपये में आ गए। भैया 10 कदम के 20 रुपये मंदिर के आसपास है, पूरे वृंदावन में, पूरे वृंदावन में। तो भाई लोगों एंट्री हो चुकी है, मतलब आ चुके हम बांके बिहारी और राधा वल्लभ से आगे ना, और थोड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ, 40 रुपये दिए हमने और अराउंड मुश्किल से आधा किलोमीटर ही होगा ये अपना आइसकॉन टेम्पल। और आप मत करना ऐसा, आप इजीली पैदल ही आ जाना भाई, ठीक है, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आइसकॉन के बाद प्रेम मंदिर भी पास में ही है, दूर नहीं है, तो किसी को 40-50-100 रुपये दो, उससे अच्छा उससे बढ़िया कि आप खुद ही आ जाओ, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस का चक्कर है ट्रांसपोर्टेशन को लेके ना, जैसे हमारे साथ मथुरा से यहाँ आने में पंगा हुआ था वृंदावन, और फिर वृंदावन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चल रही है ऐसी छोटी मोटी, तो देख लेना, ठीक है। बाकी मेरे कितने लग रहे हैं, मैं हर चीज़ का प्राइस नीचे मैंशन करता रहूँगा, ठीक है। तो एक बार देखते रहना क्या क्या हिसाब बन रहा है, ओके। चलो अंदर एंट्री देते, तो भाई जूते रखने के लिए ऐसा थैला मिल रहा है, थैले में जूते रखेंगे और उसके बाद ये यहाँ रख देंगे, टोकन मिलेगा, तो टोकन लेके फिर अंदर एंट्री, टोकन मिलेगा। तो उसमें एंट्री चुकी है कि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो विज़िट करते हैं। बाकी एक बार लुक चेक करो, कुछ गजब लुक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो एक बार देखो फ्रंट कैमरे से, आइसकॉन टेम्पल में अभी हम, और आइसकॉन टेम्पल ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्लीन है बहुत ज़्यादा ना, अलग वे में बनाया गया है बहुत ज़्यादा। काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं, फॉरेनर्स दिखेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है।
अपने इंडिया में तो ऑल ओवर हर जगह से आ रही है। मेरे साथ अभी एक भाई मिले थे, वो नागपुर से आ रहे थे अपनी मम्मी को लेके इधर पूरी इस धाम की यात्रा कराने के लिए। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा। और आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट हो, बट एक दायरे में जहाँ पे लिखा है कि डू नॉट यूज़ योर कैमरा, तो मैं वहाँ नहीं कर रहा यूज़ ना, अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो अभी वही सीन चल रहा है। अभी एक लास्ट जगह बची आइसकॉन में, आइसकॉन टेम्पल के अंदर, तो उस जगह में जाते हैं, उधर भी देखते हैं उधर क्या क्या है। उधर भी भजन चल रहा है, तो थोड़ा बैठ रहा हूँ और फिर अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें प्रॉपर कि क्या सीन है वहाँ का। बाकी इसको प्रोनाउंस आइसकॉन या क्या, आइसकॉन या इस्कॉन क्या करते हैं मैं कंफर्म नहीं हूँ। सो मैं आइसकॉन ही बोलता आया हूँ स्टार्टिंग से, तो मैं इसलिए आइसकॉन ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो आगे मिलते हैं, बाकी देखते हैं क्या सीन आ गया। तो अपने ने घूम लिया पूरा आइसकॉन टेम्पल और साथ साथ आपको भी घुमा दिया। बहुत अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं, इंडिया को छोड़ के ही बता रहा हूँ, बहुत अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं और बहुत ही अलग अलग सीन है अंदर ना बहुत। तो आना मस्त है, तो जब भी आओ तो याद से यहाँ विज़िट करना ही करना है, ठीक है। इतना आओगे तो यही भी विज़िट करके जाना ही जाना है, कंपलसरी है मान लो, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, जूते वाला सेक्शन बड़ा अच्छा कर रखा है इन्होंने। अब अपना टोकन दो और जूते लो। तो आइसकॉन से ना 500 मीटर की दूरी पे ही, या आप कह लो बांकी बिहारी मंदिर के 500 मीटर के रेंज में ही ना आपको दोनों मंदिर देखने को मिल जाएंगे, आइसकॉन और ये अपना प्रेम मंदिर। तो हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम ही है, देखेंगे कैमरा अलाउड है कि नहीं है। एंट्री तो होगी भाई, और यार कमेंट में बता देना ये ठीक है, मेरे पे कैसा लग रहा है, ठीक है। इस पर तो ख़राब ही लग रहा है, आपको पता है तेरे इस पर तो ख़राब लग रहा है, बताया मेरे को। बाकी अब मेरा कमेंट करके बताना कि मेरे पे कैसा लग रहा है। और प्रेम मंदिर के अंदर आपको कृष्ण जी की लाइफ में जो भी हुआ था वो आपको मतलब एक कला के रूप में देखने को मिलेगा। सब चीज़ ना पेंट कर रखा है, सब चीज़ बना रखा है, तो पूरी लाइफ स्टोरी है ना जो, वो आपको प्रेम मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं दिखाता हूँ एक एक करके। इसके अलावा यहाँ आपको फाउंटेन शोज भी देखने को मिलेंगे, जो कि रात को चलते हैं, रात को चलते हैं ना, है ना। तो 4:30 के बाद है शाम की एंट्री, और अभी आई गेस 11:30 बजे क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार क्या सीन है इसका, पूरा मैं दिखाता हूँ क्या क्या दिखाया हुआ है। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये भी काफ़ी डिफरेंट और सुंदर मंदिर है, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल जो मैंने देखा होगा अभी तक की टेल अभी तक की लाइफ में, उसमें से एक है। सो चलते हैं एक बार, और उसके बाद कैप्चर करते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट। बाकी यहाँ से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में देखने को मिलेगी, तो जाके चेक करो फटाफट। तब तक हम कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, आप उसके मजे लो। भाई शूज़ वूज़ उतार दिए हैं, और अब यहाँ भी सेम सीन है, वही बैग दे रहे हैं और उसमें जूते रखो। कोई चार्जेस नहीं है, चाहे आइसकॉन टेम्पल है प्रेम मंदिर है, कोई चार्जेस नहीं है एंट्री के, ठीक है। और ना ही आपके जो शूज़ रख रहे हैं उनके भी कोई चार्जेस नहीं है, और बाकी जिस ठीक है आर्ट कह रहे हैं बात कर रहा था वो कुछ ही है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मतलब सीन्स जो उनके लाइफ के थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऐसी डिज़ाइन करके बना बना के। सो पूरा मैं घूम रहा हूँ, साथ साथ आपको भी घुमाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, अभी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो एंड तक बने रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल में नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है। और सिनेमैटिक इन्जॉय करते रहो, ठीक, चलो। भाई प्रेम मंदिर की एंट्री मेरे बैक साइड में है ये रही, और इसमें अंदर ना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो आई डेंट शूट कोई भी फ़ोटो और वीडियो,
सो बाहर की जो क्लिप्स है वो तो आपने देख ही ली है, वो मैंने अच्छे से कैप्चर करी है, पर अंदर अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, मैं यूज़ नहीं करा फिर पकड़। तो अब बस बाहर बाहर से घूमते हैं और जितना है आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ से भी अलविदा लेते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी। मैंने एक बात बताई थी कि प्रेम मंदिर में ना चित्र वित्र बन रहे हैं, काफ़ी आर्ट वाला काम हो रहा है, और वो कृष्ण जी की जो लाइफ है उसको दिखा रहा है। तो मंदिर में भी ना सेम ऐसे काम हो रहे हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है, तो आना मस्त है, ठीक है। आसपास ही हैं जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, आइस्कॉन, फिर अपना प्रेम मंदिर, ये सारे आसपास ही हैं, चारों मंदिर अराउंड 500 मीटर के अराउंड में ही चारों मंदिर हैं। तो आना तो चारों विज़िट करके जाना, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी टाइप के लोग आ रखे हैं ना, मतलब काफ़ी अलग अलग जगहों से लोगों ने विज़िट किया है, काफ़ी मानता है इस मंदिर की, और रात को कुछ अलग ही सीन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और क्राउड भी अलग ही लेवल का होता है, बहुत अलग लेवल का क्राउड होता है। सो जूते उतरे पहनते हैं अब, और यहाँ से भी विदा लेते हैं। जूते भूल जाती है, मुझे बता रही है विजय कहाँ जा रहा है, और पता खुद को भी पता नहीं कहाँ जाना है, विजय कहाँ जा रहा है, मुझे लगा उधर की तरफ है। क्या लगा तेरे को? उधर की तरफ लगा मुझे, वो गेट उधर को ही है, बट आपको शूज़ लेने के लिए ना थोड़ा सा जहाँ से अपने शूज़ दिए थे वहीं आना पड़ेगा। तो एक बार शूज़ वूज़ पहनते हैं और फिर यहाँ से भी विदा विदा लेते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। बाहर मिलते हैं, एक बार शूज़ पहनेंगे। प्रेम मंदिर से बाहर आते ही अब हमारा खाने वाने का सीन बन गया है, और दोबारा हम कचौड़ी खा रहे हैं क्योंकि कचौड़ी हमें अच्छी लगी थी, बट इस बार आई गेस कट गया है क्योंकि कुछ ऐसा मिला है ना। और इससे पहले वाली तो बड़ी अलग स्टाइल में मिली थी, नॉर्मल जैसे मिलती हैं हमारे यहाँ दिल्ली में वैसी मिली थी, इस बार थोड़ा अलग सीन है, तो खा के देखते हैं और फिर मिलते हैं, पहले खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। सो हम प्रेम मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ रुक गए थे और हमने कचौड़ी वचौड़ी खाई और कुछ और भी खाया, फिर पानी लिया, फिर हम बैठ गए यहीं पर। यहाँ काफ़ी रिलैक्सिंग हो रहा था, बाहर काफ़ी अभी धूप वूप हो रही है। और आज हमने घूमे ना, क्या क्या घूमा आज हमने? बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, इस्कॉन टेंपल, प्रेम मंदिर, और राधा वल्लभ और बांके बिहारी, चार टेंपल घूमे। प्लान हमारा और भी था बट अब बहुत ज़्यादा अब वो, तो आज के लिए इतना ही है जो ट्रैवल का सीन था। अब निकलते हैं घर और होप करते कि अच्छे से घर पहुँच जाएँ, आगरा वाला सीन ना हो जाए, कि जाना था आगरा से दिल्ली और पहुँच के ग्वालियर, तो इस बार हम ट्राई करेंगे ऐसा ना हो और हम सही से दिल्ली पहुँचते हैं तरीके से ना। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से और देखो आप आगे क्या होता है, ठीक है। दिल्ली से ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुँच गए, ठीक है। वहाँ से निकल के मॉर्निंग में दिखा नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा भसड़ हो रही थी, मतलब बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स आ गए थे यहाँ पे, कोई 100, कोई 200, 120, 150, बट कुछ ऐसा दिखता है मथुरा का रेलवे स्टेशन। तो पहुंच चुके हैं, निकल रहे हैं यहाँ से अंदर को।